हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपको वेस्ट मटेरियल से प्लांटर किस तरह से तैयार करते हैं वही बताऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये टिन है, एक जो हमारे यहाँ कंटेनर आते हैं ऑयल टिन है, और इसमें मंथली लगभग आते हैं, महीने एक महीने में दो महीने में आते ही रहते हैं, तो काफ़ी सारे हमारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से। तो आप इनसे बहुत अच्छा प्लांटर तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे उनमें प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको अपने प्लांट भी दिखा दूंगी, कितने तीन तीन साल से लगभग लगे हुए हैं इसी प्लांटर में बिना ये ख़राब हुए। वैसे तो ये टिन है, लेकिन प्लांट लगे होने के बावजूद भी वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं कि जैसे दो चार महीने या छः महीने में ख़राब हो जाए, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लगभग 3 से 4 साल ये आराम से चल जाएंगे, तो आप इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इनका वेट भी इतना ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं ये, तो बहुत आसानी से आप इसका प्लांटर तैयार कर सकते हैं। तो किस तरह से बनाना है मैं वही बताऊंगी। तो ये जो एरिया है इसको पहले हमको कट कर लेना है, तो कट करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ये देखिए मेरे पास ये है और मैं इसी से कट करके बनाती हूँ इसको, ये देखिए। और आप छेनी ले सकते हैं अगर आपके पास है, और ये जो अदरक कूटने वाला है इसको मैंने रखा है, आप हथौड़ी का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हमको इस तरह से लगाना है। तो सबसे फर्स्ट में हम थोड़ा सा होल बनाएंगे यहाँ पर, तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे होल बना दिया इससे। और अब हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसको कट करते जाएंगे। इसके ऊपर हम इसी से वार करेंगे और ये पूरा इस तरह से कटता जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और इसी तरह से कट करके अलग किया है, ये देखिए इसको मैंने अभी कट करके अलग किया है। तो इसी तरह से मैं इसको भी कट कर लूँगी, तो मैं एक हाथ से आपको नहीं दिखा पाऊँगी, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो आप लोग को भी डिस्टर्ब होगा, इस वजह से मैं इसको कट कर लेती हूँ। पूरा यहाँ से कट कर लूँगी इसको, आपकी हेल्प कर देते हैं तो मैं तो इसको अपने से ही तैयार करती हूँ, अपने से ही बनाती हूँ। तो चलिए हम इसको कट करके पहले अलग कर देते हैं। तो ये देखिए, बस इसको लगाए रखना है साइड में और इसके ऊपर इससे मारते रहना है ताकि ये बिल्कुल कट जाए बहुत जल्दी, और ये 2 से 3 मिनट में कट कर अलग हो जाएगा। तो बस इसको इस तरह से लगा लेना है और दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से नहीं बनेगा। और इसको इस तरह से, ये देखिए आप पैरों से के नीचे से थोड़ा सा दबा लीजिए पैरों से इसको, जो ये कंटेनर है, ताकि खिसके नहीं। और उसके बाद आप इसी तरह से इसके ऊपर इस तरह से, तो ये कटते जाएगा और बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर ये देखिए लगभग पूरा कट चुका है, बस थोड़ा सा बचा है, ये देखिए थोड़ा सा बस और जुड़ा है, नहीं तो बाकी पूरा कट चुका है। इसको मैंने काट लिया है और बस ये एक दो हथौड़ी मारने के बाद ही पूरा निकल जाएगा, अलग हो गया है, ये निकल गया है पूरा, इसको मैंने निकाल दिया बाहर। और ये वाला जो हुक है ये भी बहुत काम आ जाता है, इसको अगर आप निकाल लेते हैं तो इससे जो हमारे हैंगिंग वगैरह में जिनकी थोड़ी लंबाई कम होती है, हम इसमें हैंग कर सकते हैं, बहुत ही मजबूत होता है। मैंने कई सारे बनाए हैं अपने हैंगिंग बास्केट लगाने के लिए, इसको ये हुक का काम करता है बहुत ही अच्छा, तो इसका भी यूज हो जाता है। और ये देखिए हमारा कंटेनर, तो इसको हमको थोड़ा सा सर्फ से साफ करना पड़ेगा कि इसमें ऑयल भी है अभी, और इस ऑयल को हम पहले बाहर कर देते हैं और उसके बाद हम इसको अच्छे से धो लेते हैं। तो आप इसको अच्छे से धो लीजिए या फिर किसी साफ कपड़े से या फिर किसी से साफ कर लीजिए, वैसे एक बार आप सर्फ से इसको साफ कर ले सर्फ या साबुन से, तो ये बहुत अच्छे से फिर क्लीन हो जाएगा ताकि इसमें ऑयल ना रहे, नहीं तो प्लांट की रूट्स में फिर दिक्कत हो सकती है। और ये हमारा कंटेनर, इसके बाद हम इसको पेंट कर लेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको क्लीन भी कर लिया अच्छे से, और चलिए हम इसमें थोड़ा सा पेंट भी कर देते हैं। अगर आपके पास ऑयल पेंट है तो आप उसको करिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास ऑयल पेंट नहीं है, तो मैंने तो अपने जिस गमले में यानी कि जिस प्लांटर में बनाया था इसको, अपने यही जो गमलों में पेंट करती हूँ वही वाला पेंट मैंने किया था, एक दो में किया था, बाकी में तो मैंने किया भी नहीं, फिर भी वो बहुत आसानी से चल रहे हैं। एक दो में मैंने अंदर की साइड में ऑयल पेंट भी किया हुआ था, तो अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और ज़्यादा दिन तक आपके प्लांटर चलेंगे। तो ये देखिए ये बर्जर का वाटरप्रूफ कलर है, जो मैंने अपने सारे पॉट में किए थे, सीमेंट के और प्लास्टिक के पॉट में भी किए हुए थे, यहाँ देखिए मैंने मिट्टी के पॉट में भी इसी पेंट को किया था, तो मैं बस इसी को करने वाली हूँ। ये थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगेगा और प्लांटर हमारा थोड़ा खूबसूरत सा हो जाएगा बस इसीलिए। और आप मजबूत काफ़ी दिनों तक अगर चलाना चाहते हैं, आप चाहें कि 5-6 साल हमारा प्लांटर चल जाए, तो आप ऑयल पेंट करिए, अंदर की साइड भी कर दीजिए और बाहर की साइड भी कर दीजिए, तो वो और ज़्यादा दिनों तक आपका चलेगा। मेरे तो बहुत सारे बिना पेंट किए हुए ही मैंने लगा के रखे हैं, और ये देखिए बाकी तो बहुत क्लीन कटा हुआ है पूरा, ये देखिए कहीं से भी कोई ऐसा यानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये इस तरह का, तो इसको आप थोड़ा सा ठोंक करके बराबर कर लीजिए ताकि हाथ से लगे ना, देखिए इसकी हेल्प से हम थोड़ा सा इसको ठोंक देंगे,
तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। तो पेंट में मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, ये देखिए, और इसी तरह से मैं इसको कर दूंगी। गाढ़ा गाढ़ा से करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर पानी मिलाने से यहाँ पे अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। मैं अपने सीमेंट के गमलों में पेंट करती हूँ तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करती हूँ, मैं बस एक एक कोट ही करती हूँ और काफ़ी अच्छे से वो हो जाता है। तो अगर पानी मिला करते हैं तो फिर हमको दोबारा उसमें चढ़ाना पड़ेगा, इस वजह से ये देखिए। और ये पेंट करने के बाद काफ़ी खूबसूरत भी दिखने लगता है, तो बस हमको थोड़ा सा इसको सुंदर भी बनाना है ताकि अच्छा भी दिखे। और बिल्कुल फ्री के प्लांटर हैं, और नीचे से भी होल इसमें बनाना है, मैं आपको नीचे से होल बना के भी दिखाऊंगी। अब मैंने पेंट लगा दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, एक भी मैंने बना के रखा है, बस उसी जो हमारी हसिया थी ना उसी से हम इसको नीचे भी बना लेंगे होल। इस तरह से करना है और हर जगह लगभग 5 से 6 होल इसमें हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए, इसका जो ये नुकीला वाला साइड है इसी से मैंने बस एक एक बार मारा है, उसके बाद ये देखिए इस तरह से हो गया है होल सभी जगह। और इसे मैंने लगभग 6 3 9 9 होल्स बना लिए हैं और काफ़ी अच्छे इसका ड्रेनेज अच्छा रहेगा। आप होल ज़रूर बनाइए ताकि आपका जो पानी है इसमें भरे ना बिल्कुल, और प्लांट आपका काफ़ी अच्छा। तो इसके जो पेंदी में हम इसे पेंट कर देते हैं ताकि ज़मीन में टच रहेगा तो इसमें जंग ज़्यादा ना लगे, और नहीं तो यही नीचे से ही ख़राब होगा, बाकी तो ये कहीं साइड से कभी भी ख़राब नहीं होता है, तो नीचे से ही हो जाता होगा। अभी तो मेरा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया लगभग 3 साल से मैंने इनको लगा के रखा हुआ है इन प्लांटरों में अपने प्लांट। तो ये देखिए, ये हमारा प्लांटर बिल्कुल। तो ये देखिए, हमारे 2 प्लांटर तैयार हो गए बिल्कुल, 3 के प्लांटर, और इनमें हम बड़े से बड़े प्लांट लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनको बिल्कुल रेडी कर लिया है, और देखिए पेंट करने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ एक बार ही पेंट मैंने इसमें किया हुआ है, और सूखने के बाद एक बार और चाहे तो आप कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा बिल्कुल जो थोड़ा बहुत इसमें लाइनिंग वाइनिंग दिख रही है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसमें मैंने थोड़ा नीचे के जो साइड था उसमें भी कर दिया है, यहाँ पे देखिए। तो मैंने आपको ये बताया, अगर आप ऑयल पेंट करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे ये भी वाटर प्रूफ है तो जल्दी ख़राब नहीं होता ये पेंट भी, और जंग नहीं लगता है इससे भी। तो मैं आपको अपने प्लांट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्लांट मेरे ऐसे ही टिन के प्लांटर में लगे हैं। ये देखिए, चंपा का प्लांट है जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, बिल्कुल हैवी फ्लावरिंग करता है। ये देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग भी हो रही है और प्लांट भी काफ़ी अच्छा हेल्दी है। तो ये देखिए इसमें लगा हुआ है, और मैंने इसमें पेंट वगैरह भी नहीं किया था, ये देखिए ऐसे ही लगा हुआ है। बस धीरे धीरे यही थोड़ा सा उसका कलर डल हो जाता है, यानी थोड़ा जंग सा लगा दिखने लगता है। अगर इसमें पेंट कर दूँगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल देखिए फ्रेश है, और लगभग 2 साल हो गया इसको लगे हुए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चंपा का प्लांट और लगा हुआ है, ये देखिए ये प्लांटर इसी में लगा है, ये भी टिन का ही है। ये देखिए यही ऑयल टिन में ये चंपा भी लगा है, ये देखिए येलो कलर का चंपा है ये। और आप प्लांट देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी है, और इन सब प्लांट को थोड़ा बड़े प्लांटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ये सारे सिम लगा के रखे हैं, और इनका वेट भी ज़्यादा नहीं रहता। अगर इतने बड़े बड़े सीमेंट के पॉट रखें तो छत पर भी बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा। ये जो मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, ये देखिए इस तरह फ्लावर आते हैं इसमें। अभी मैंने सबकी प्रूनिंग कर दी इसलिए थोड़ी सी ग्रोथ में टाइम लग रहा है, नहीं इसमें इतनी भी हैवी यानी फ्लावरिंग हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही थी। तो ये देखिए, इसको मैंने कलर किया था, ये लगभग 2 साल पहले मैंने इसको कलर किया था। अब थोड़ा थोड़ा इसमें जंग से बाहर दिखने लगा है, नहीं तो देखिए 2 साल से बिल्कुल वैसे ही लगा है, और अभी भी कहीं से ख़राब नहीं हो रहा है। इसको अगर एक आध बार हम पेंट और कर देंगे तो ये और काफ़ी दिन तक भी चल जाएगा। एक प्लांटर ये है देखिए, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, बिल्कुल यानी कि थोड़ा पुराना हो गया है देखने में, बारिश वगैरह में सब में रख रहा था, 2-2.5 साल से ये लगा हुआ है। तो ये देखिए इसमें मेरे गुड़हल का प्लांट लगा है, ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है इसमें, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए मोगरा का प्लांट है। तो जितने भी मेरे बड़े प्लांट हैं मैंने सभी को लगा के, इसमें देखिए मैंने पेंट नहीं किया है, ये देखिए ये भी मेरा इसी में लगा हुआ है। और ये जो इधर डबल चांदनी है ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही है, इसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर से फूल आ रहे हैं। ये भी इसी में लगा, ये बिल्कुल कवर है, बिल्कुल इतने सारे प्लांट हैं यहाँ पर। आज मैंने यहाँ पर कपड़े भी सुखाए हैं, ये देखिए ये देखिए ये इन समय मैंने किसी में बिना पेंट किए सबको लगा दिया था, क्योंकि जल्दबाजी में जब गमले खाली ढूंढने लगो तो मिलता नहीं है, फिर ऐसे ही बस तुरंत बना के और
तुरंत प्लांट को लगाना रहता है मुझे। और ये देखिए मेरा कनेर का प्लांट है, अब ग्रोथ देखिए प्लांट की और प्लांटर भी देख लीजिए। ये देखिए ये भी सिम लगा हुआ है, ये कनेर का प्लांट है पूरा। ये तो बहुत आसानी से चलते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा देसी रोज का प्लांट है जिसके फ्लावर सारे गिर गए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें बहुत हैवी फ्लावरिंग हो रही है इस समय। ये देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं, और इसमें दो प्लांट मैंने कटिंग जो लगाई थी उन्हीं को इसमें रिपोर्ट कर लिया था, और कितने सारे इसमें फ्लावर आए हुए हैं, पूरे कलियाँ से प्लांट मेरा भरा हुआ है। और ये भी इसी प्लांटर में लगा है, ये देखिए ये भी टीन के प्लांटर में लगा है। तो आप पेंट करिए या ना करिए, आपका प्लांट दो से लगभग चार साल तो आराम से चलेगा। दो साल मेरा चल चुका है, अभी दो साल और चलेगा। यहाँ मैंने लास्ट ईयर क्रिसेंथियम भी लगा दिया था इसमें, बहुत सुंदर एकदम ऐसा लग रहा था बिल्कुल कोई बहुत बड़ा सा बुके हो एकदम से। ये देखिए इसी में लगा हुआ था, ये लास्ट ईयर का मेरा प्लांट है, ये भी टीन के प्लांटर में लगा है। तो आप भी इसी तरह से फ्री के प्लांटर तैयार कर सकते हैं और अपने घर में प्लांट लगा सकते हैं। वेस्ट मटेरियल में बहुत ज़्यादा बड़े गमले रखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और नहीं तो इतने बड़े बड़े प्लांट लगाने के लिए बड़े बड़े हम सीमेंट के गमले लाएंगे, प्लास्टिक के गमले भी अगर लाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। अगर हम 18 इंच या 20 इंच के गमले लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा यानी वेस्ट होगा पैसा हमारा। तो यही सब सोच के मैं बस इसी तरह से करती रहती हूँ। गार्डनिंग पसंद है और किसी न किसी कुछ ना कुछ आइडिया तो निकालना ही पड़ता है, तो बस इसी तरह से मैंने लगाए हुए हैं। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। यहाँ देखिए रोज़ मेरा बहुत हेल्दी है, आज मेरे से इसकी एक ब्रांच टूट गई, बहुत अच्छी हेल्दी ग्रो हो रही थी। ये देखिए इसमें कलियाँ भी आ गई थी, और यहाँ पर भी कलियाँ हैं, बहुत सारी कलियाँ इनमें आई हुई हैं, और इधर इसमें फ्लावरिंग हो रही काफ़ी अच्छे से।